2 कप मैदा लीजिए. इफ़ यू हैव नो मेजरिंग कप यू कैन सेट अ बाउल फॉर इट. देन ऐड सॉल्ट टू टेस्ट. 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 कप कर्ड. मिक्स इट वेल. अब डो बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्का गर्म पानी. मैंने यहाँ 4-5 स्पून वाटर ऐड किया है. अब 3-4 मिनट के लिए इसे अच्छे से गूंथ लेंगे. अब नान के लिए हमारा परफेक्ट डो बन के तैयार हो चुका है. अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और 1-2 घंटे के लिए इसे कवर करके रख लेंगे. 1-2 घंटे के बाद हम कवर निकाल लेंगे. अब हमारा डो पहले से भी ज़्यादा सॉफ्ट है. इसे और 1 मिनट के लिए गूंथ लेंगे. अब हम इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं. यहाँ हम 5 लोइयां तैयार किए हैं. नान बनाने के लिए हम एक लोई उठा के सूखे मैदे में लपेट लेंगे और फिर इसे बेलेंगे. हम इसे ओवल शेप में या फिर गोल और जैसे हमें अच्छा लगे वैसे बेल के तैयार कर सकते हैं. हम इसे थोड़ा मोटा बेलेंगे. डालेंगे थोड़ा सा काला जीरा. अगर आप चाहे तो चॉप किए हुए धनिया पत्ते भी डाल सकते हैं. फिर इसे हल्के से प्रेस कर लेंगे. उसके बाद इसे उल्टा करके इसकी बैक साइड में थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाएंगे ताकि चारों तरफ से हल्का गीला हो जाए. अब हमारा नान सिकने के लिए तैयार है. लेकिन इससे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारा तवा गर्म है कि नहीं. अगर तवा गर्म है तो हम नान को सिकने के लिए तवे पे डाल देंगे. गीली सरफेस को नीचे की तरफ रखें. कुछ टाइम बाद जब नान के ऊपर से बबल्स आना शुरू हो जाएगा इसका मतलब हमारा नान नीचे की तरफ से होने लगा है. हम तवे को उल्टा करके नान को डायरेक्ट फ्लेम पे सेकेंगे. फ्लेम को मीडियम रखें. नान बनाने के लिए हमेशा लोहे की तवा यूज़ करें. इसी तरीके से तवे को घुमा घुमा कर नान को सेकना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए. अब देखिए हमारा नान अच्छे से सिक गया है और नान के ऊपर चारों तरफ ब्राउन स्पॉट्स भी आ गए हैं. यानी हमारा नान बनके तैयार हो गया है. अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे. देखिए बैक साइड भी अच्छे से हो गया है. अब हम इस पे बटर लगाएंगे जो कि हमने मेल्ट करके रखा हुआ था. अच्छे से बटर लगा लेंगे. अब हमारा टेस्टी बटर नान इज रेडी. हम दूसरा नान बेलकर तैयार कर लेते हैं. पहले की तरह इस पे डालेंगे थोड़ा सा काला जीरा. आप चाहे तो चॉप किए हुए धनिया पत्ते भी डाल सकते हैं. फिर हम इस पे ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रेटेड गार्लिक और फिर इसे हल्के से प्रेस कर लेंगे. उसके बाद इसे उल्टा करके इसकी बैक साइड में पानी लगा लेंगे ताकि चारों तरफ से हल्का गीला हो जाए. अब हमारा नान सीखने के लिए तैयार है. पहले हम चेक कर लेंगे तवा गर्म है कि नहीं. फिर हम नान को तवे पर डाल देंगे सेकने के लिए. कुछ टाइम बाद जब बबल्स आना शुरू हो जाएगा हम तवे को उल्टा करके डायरेक्ट फ्लेम पे नान को अच्छे से सेक लेंगे. तवे को ऐसे घुमाते रहना है ताकि चारों तरफ अच्छे से सिक जाए. हम इसे बीच में झांक कर देख सकते हैं कि हमारा नान चारों तरफ से अच्छे से सिक रहा है या नहीं. अब हमारा दूसरा नान भी बनकर तैयार हो गया है. आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं. ये बनाना बहुत ही इजी होता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी एंड सॉफ्ट होता है. इसे आप आपकी पसंदीदा कोई भी ग्रेवी करी के साथ सर्व कर सकते हैं. अब हम इस पे अच्छे से बटर लगा लेंगे. प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. अब हमारा गार्लिक बटर नान इज़ रेडी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.